ये चीज 3 2 1 ऑलमोस्ट डन। रुक ये चीज ऑफ गला काट दिया अगले का। क्या भाई निकल आई। ओ भाई निकल आई। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। सो सोलो लेवलिंग में धमाका मचाने के लिए हम फिर से आ गए हैं। तो लास्ट हमने चैप्टर 6 नहीं कंप्लीट हुआ। यस, क्योंकि उसके बॉस पे फंस गए थे और हमें लेवल अप करने की अभी भी शदीद जरूरत है। आई थिंक लेवल 20 होना चाहिए उसको फाइट करने के लिए उसके साथ। तो लेट्स सी हम कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि अगर हमें और लेवल अप करना है तो हम इजीली कर सकते हैं गेट्स की तरह। सो विदाउट एनी फर्दर डू सिट बैक रिलैक्स एंड जंप राइट इन। ओके, सो अब हमने करना है लेवल अप और तो हम चलते हैं गेट्स की तरफ और गेट्स में देखते हैं कि क्या कोई स्पेशल गेट्स हमारे लिए पर्पल या किसी कलर के खुले में। रैंक 16 का खुला हुआ है और 15 का नजर आ रहा है इस वक्त हमें, जिसमें हम इसके साथ जा सकते हैं। सी रैंक और बी रैंक लेवल रैंक 16 में चलते हैं आई थिंक, राइट। सो एंटर करते हैं और सही है, हमारी सारी फॉर्मेशन बनी हुई है। लेट्स एंटर इस गेट में, देखते हैं हमारे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि पिछले गेट में तो गोल्डन गेट में तो पता ही नहीं चल रहा था हमने करना क्या। एकदम से वो क्या थे, गॉब्लिंस वो गॉब्लिंस आई जा रहे थे उनको रोकना था हमने। एक सर्टन लिमिट के गॉब्लिंस पास हो सकते थे, उससे पहले पहले उन सारों को बाकियों को रोकना था। तो हम किसी ना किसी तरह कामयाब हो गए थे। ओके लेट्स गो। यहाँ पे ये कौन है, शुरू करते हैं हम जाते साथ ही अपने दोनों को बुला लेते हैं। ये देखें जरा, आए साथे साथ ही जो खत्म होते हैं ना शुरू में ही मजा आ जाता है। ये दिखा रहा है, अच्छा वे पॉइंट दूसरे वाले को भी बुला ले इधर। अच्छा टाइम भी है, फिर भी टाइम के अंदर कंप्लीट करना है हमने। दोनों हेल्प अवेलेबल है। यस ये खत्म कर दिए इनको भी और वो टर्निंग मिड डीमन आ गया। यस यार जगह कितनी, लोकेशन कितने मजे की है। ये चेक मारने के लिए एक हेल्प हमारी अवेलेबल है। यस शील्ड भी है इसकी, अपने शील्ड भी ब्रेक करनी है। ये करना है, यस शील्ड सबसे पहले है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगी तो जल्दी मरेगा। शील्ड ब्रेकिंग, यस काफी चली गई शील्ड। ओए ये बड़ी शील्ड लेके गया है, ऑलमोस्ट 30% पे रह गया शील्ड। चलो भाई आ जाओ इसको मारे मारे मारो 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 मारो। 75% हेल्थ रहेगी इसकी। हीलिंग भी कर लें हम थोड़ी सी। यस हीलिंग ऑलमोस्ट ठीक ही है हमारी। चलो हेल्प आ गई। ओए ये क्या किया यार, चल हेल्प आ गई है। इसकी शील्ड अभी टूटने वाली है। यस दूसरा वाला आएगा ना जो उसको बुलाया, बुला उसको वो इसकी शील्ड ब्रेक करे। और ये इसकी शील्ड ब्रेक। अब जो हम इसको मारेंगे सस्ती खत्म हो गया यार ये। अब यस 50% गई है, 50% रह गई है, वो भी इसको नहीं हम छोड़ेंगे। हेल्प के लिए आने वाले 3 सेकेंड 2 सेकेंड और 1 सेकेंड में अवेलेबल है। आ गई हेल्प, बुला सकते हैं हम अब इसको। यस 26% पे रह गई है इसकी हेल्थ। 23 19 और इसको पावर शॉट नहीं लगी अभी तक। पावर शॉट मारेंगे और ये खत्म हो जाएगा। पावर शॉट अभी तक आई नहीं है। 6% पे है और टाइम 1 मिनट है, आराम से मार सकते हैं, इतनी मुश्किल नहीं है इतना। अब पावर को लैंड करेंगे। ओ जे ये जरा स्टाइल पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। जल्दी बेचारे को मारा। तो ये हो गया हमारा गेट कंप्लीट और देखते हैं हमें एक्सपी कितनी मिली है। काफी एक्सपी, 303 एक्सपी मिली है हमें। yes. तो हमने लेवल 16 का तो गेट क्लियर yes. कर लिया राइट। अभी हमारे पास लेवल 15 का भी एक शोर है, वो क्लियर करते हैं और उसके बाद रीस्कैन करते हैं, शायद हमें कोई पर्पल या गोल्डन गेट हिस्से मिल जाए राइट। क्योंकि वो बहुत सी अच्छी चीजें या गिफ्ट्स देने के चांसेस ज्यादा मिल सकती है उसमें। यस दूसरा वाला आ जाओ। अरे यार दोनों अच्छे हेल्पर्स हैं हमारे।
टीममेट। चलो भाई ये तो खत्म हो गए, आगे भी आ गए हैं और ज्यादा। 5 सेकंड में आ रहा है, चलते हैं और 2 सेकंड 1 सेकंड आ गया, बुला ले को हेल्प करेगा आके। यस सारों को एक साथ मारते हैं यार, लैटरल डैमेज ये चीज। एक रह गया, यस फाइनल बॉस आने वाला है। ओहो होली जायंट नाइट, नाइट आ गया हमारे साथ मुकाबला करने के लिए। वही बात है, पहले इसकी शील्ड तोड़नी पड़ेगी। ब्रेक यार, ये शील्ड बड़ी अच्छी ब्रेक करता है। और ओए कितनी शील्ड ले गया यार, हमने भी मारा है ना, उसका भी पड़ा है और हमारा भी पड़ा है। ओए ओ यार, ये डॉज एबिलिटी नहीं थी। ओहो ये क्या कर रहा है यार, जो कुछ हाथ में आ रहा उसे फेंक रहा है। ये वाला उसकी शील्ड ब्रेक, ओ होगी ब्रेक हो गई है। यस पावर शॉट हमारे पास अभी तक कोई भी नहीं है जो हेल्प करे इसको जल्दी मारने में। वो इसके 10 लेवल्स हैं। अब ब्रेक हुई है शील्ड ब्रो। ओह और अब देख इसकी हेल्थ कैसे जाती है। बट इसके 10 लेवल्स हैं, 6 लेवल 5 4 यस वो भी साथ-साथ नीचे आ रहे हैं जिस तरह मर रहे। 20% हेल्थ, बहुत जल्दी मार दिया यार इसको तो हमने। खत्म है ये जिंदगी तबाह कर दी ना, जो इसको एलटी पड़ती है ना लास्ट में पावर शॉट। पावर और ये वैसे ही मर गया बेचारा। तो दिस वाज इजी, 15 लेवल 15 था, इस वजह से लेवल 16 थोड़ा इससे मुश्किल था। यस अब हम करेंगे रीस्कैन। तो अब हमने कर लिया लेवल 16 और लेवल 15 क्लियर, राइट। लेकिन एक मुझे तंग कर रहा था, ये जो स्टार्टिंग में जब उन्होंने गेट्स का ट्यूटोरियल दे रहे थे तब ये आया हुआ था और ये हट नहीं रहा था रीस्कैन करने से। तो हम इसको भी जल्दी से क्लियर कर लेते हैं लेवल 7 का, राइट। और इस पे कीज भी देखो कोई यूज नहीं हो रही क्योंकि ये ट्यूटोरियल वगैरह का हिस्सा था, ताकि इसके बाद जब हम रीस्कैन करें तो हमारे पास अच्छे गेट्स वगैरह आ जाए। स्टील क्रॉड ब्रिगा, ये वही अलाउड है। हां वही सिंपल वाला जो है, आ जो बंदरों वाला। यस रिपीटेडली प्रेस लैग बटन, हां वो देखो ना, वो अभी ये ट्यूटोरियल का हिस्सा था ना शैडो स्टार। हां इस वजह से वो हमें यही दे रहा था, पर उनको नहीं पता कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं जिंदगी में। चल भाई निकल, ये तो एक ही मूव से फारिग हो रहे हैं भाई। लेवल इनका बहुत कम है ना यार, हेल्पर को बुला ले, इनको मार दे आगे जरा। चलो भाई अगर इधर भी हम हेल्पर ही बुलाएं तो फिर फायदा कोई नहीं हमारा मेरे ख्याल से। मर जाओ तुम वैसे ही। लास्ट ट्रैक है ब्रिगा, लॉर्ड ब्रिगा आए हैं हमारे पास लड़ने हमसे। ओए यार अच्छा, तो इसकी तो वो भी नहीं है तो बेचारे की है। ये ऐसे ही चला गया मेरे ख्याल से, ये तो बिल्कुल ही पता। खत्म, 3 मूव्स एंड डन। तो ये हो गया, हाँ देखो इसमें 42 एक्सपी सिर्फ हमें मिली है। तो ये हो गया क्लियर। और जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप 3 गेट्स क्लियर कर लोगे तो ये बोनस एक्सपी भी मिलती है जो 2480 है। ये हम क्लेम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा लेवल मेरे ख्याल से 18 से भी ऊपर हो गया, राइट। 5 पॉइंट भी मिले हमें स्टैट पॉइंट। सो अभी हम करते हैं गेट्स को रीस्कैन। ओ न्यू डिफिकल्टी अवेलेबल, लेवल 6 के गेट्स अब आ जाएंगे, राइट। तो चेंज कर रहे हैं और अब हम करते हैं इसको रीस्कैन, ताकि पर्पल गेट लेवल 20, लेवल 17, लेवल 17, लेवल 20, लेवल 20 पर्पल गेट। इसमें थोड़ी मुश्किल होने वाली है, लेकिन इधर में जाने से पहले अपने करेक्टर को अपग्रेड कर लेते हैं। टैग आई थिंक हमारा क्या काम था, एडिशनल माना कूल डाउन रिडक्शन, ये बढ़ाए ना हम। इसमें 2 पॉइंट डालते हैं और अटैक में डाल देते हैं आई थिंक। चलो इसमें 2 पॉइंट डालते हैं और अटैक में, यस क्योंकि अटैक हमें हाई लेवल है, अटैक में अटैक अच्छा चाहिए होगा। डाल देते हैं, तो हम जाते हैं वापस गेट्स की तरफ। अब हम लॉक्ड एंड लोडेड है, राइट। तो नाउ वी कैन, ओह ये बॉक्सेस भी इसमें से निकल सकते हैं पर्पल वाले में से। डेफिनेटली दिस इज वर्थ इट, और इसको कंप्लीट करना लाजमी है, लेकिन ईजी नहीं होगा। बर्निंग हाई डीमन, बी केयरफुल ड्यूरिंग डंजन ब्रेक्स, मैजिक बीस्ट में अपीयर। ओके चलो भाई साहब। हंटर प्लीज हरी, दिस इज एन इमरजेंसी। वाह नए लेवल के पर्पल भाई। है ना ब्रो, कट सीन भी दे रहे हो पर्पल में। ओ हो नॉर्मल मानव वेव्स डिटेक्टेड फ्रॉम गेट वर्ल्ड वाइड।
टाइम तो बढ़ जाता है हमारा, लेकिन जितनी जल्दी इनको मारेंगे उतनी जल्दी ही टाइम फारिग। एक और सारे यही हैं या कोई और छुपा हुआ भी है? एंड पे निकल आता है भाई यार, एक तो ये टाइम वेस्ट करते हैं। चलो उधर दूसरे वाले को बुलाते हैं जल्दी से। आ जाओ। आए क्या मूव मारी है यार। ओ भाई साहब सबको एक साथ ले गए हैं। ये चीज फाइनल आ गया बॉस। अब इसको हील नहीं होने देना, मैं कुछ भी हो जाए। डीमन भाई, डीमन भाई मर जाए आप प्लीज। ओए ये चीज बहुत आला। शील्ड ब्रेक करनी है सबसे पहले, जो मेन शील्ड तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट। यस हाफ शील्ड तो इसकी चली गई तो ही ये मरेगा। यस हाफ शील्ड चली गया बट फिर भी इसको हमने जल्दी से जल्दी हो सके जितना उसमें मारना है। 80% हेल्थ तो चली गई है, रह गई है 20% ने खत्म कर दिया और शील्ड भी ब्रेक हो गई है। बहुत अच्छे 73% हेल्थ। ओ भाई साहब बड़ी जल्दी मार रहे आप तो। चल 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 हम बस इतना ना लगे। यस 60% हेल्थ बहुत अच्छे। ओए सही फ्रीज करके मार रहे भाई इसको हम, छोड़ ही नहीं है। यस 56% बहुत आला। 48% हेल्थ रह गई है यार। ओए रीगेन कर रहे यार, इधर नहीं करने देना। नहीं कर रहा, कम कर रहा उसको। यस 46 40 फिर चला गया ऊपर, फिर नीचे आया। यस पावर शॉट ना कर सके इस पॉइंट पर। पे ले गया हम उसको लेवल 9 27। बॉयज लेट्स गो हीलिंग करने 20%। ओए यार इधर ना कर ली, नहीं कर सका। 16% हेल्थ पे आ गया, वो ऊपर चला गया फिर यार वापस। पावर शॉट में बहुत टाइम है। 13 10% 8 7 6 5 4 और ये क्लियर। यस बहुत आला है यार। अभी मुझे आंखें खुली रखनी पड़ी हैं और उसकी वजह से आंखों में पानी आ गया है। बट फाइनली वी हैड टू कंसंट्रेट। लेवल 20 वाला हमने मार लिया और पर्पल रैंक का खत्म किया। 444 वी गॉट समथिंग एज वेल और बूट्स भी मिल गए हैं। ऑलराइट सो पर्पल लेवल का डंजन ब्रेक हमने फाइनली क्लियर कर दिया और हमारे पास 3 और ऑप्शंस हैं लेवल 17 का। उसके बाद हम दूसरा वाला भी करेंगे, 3 गेट्स पूरे हो जाएंगे तो और एक्सपी भी हमें होपफुली एक और मिल जाएगी पे जा सकते हैं। यस एंड देन वी गोना गो टू चैप्टर 6। ये भी डीमंस वाला ही है मेरे ख्याल से। ये इतना मुश्किल नहीं होने वाला आई थिंक, जो हम कर चुके हैं ना। चलो भाई खाली हो जाओ। यस दूसरे को भी बुला ले। दूसरे को अभी बुलाने की जरूरत तो नहीं है, टाइम वेस्ट ना हो ना। इनको इनको मार ले, काफी ज्यादा है इधर। चलो भाई तो ये आ ही जा रहे हैं वैसे। दूसरे को बुला ले, दूसरे को भी आगे कोई बुला ले। काफी ज्यादा है ये, वो हेल्प करेगा हमारी। तीन इवेजन हो गया और ये भी आ गया है। बर्न करो इनको, सारों को पकड़ के। चलो यार हीलिंग भी आता है, ये आ ही जा रहे हैं वैसे। खत्म नहीं अभी और भी ठीक है यार। चल 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 भाई लास्ट है आई थिंक ये। हां गया। यस लास्ट है। टाइम काफी ज्यादा इन्होंने वेस्ट कर दिया हमारा, पर काफी ज्यादा थे। वाइल्ड वेयरवो, ओहो वेयरवोल्फ आया भाई। चल पहले तो हम इसको बुलाते हैं। शील्ड ब्रेक करेगा इसकी, वो है ही नहीं शील्ड। ओ ये तो इजी वैसे ही चला जाएगा। यस वो देखो उसके लेवल्स का हेल्थ चाहिए, हमारी हेल्थ भी लो हो रही है। बुला लेते हैं हेल्प के लिए। 70% तो उसकी हेल्थ रहेगी इतनी जल्दी से, और 65 60% तो पहुंच गए जल्दी से। मर जाएगा यार ये तो इजी है। ओ भाई हमें मार गया, एल्टी आ गई है, मार सकते हैं इसको। ये लो चलो भाई 25% इसकी हेल्थ चली जाएगी इधर ही, नहीं बचता ये। ओए 25% हेल्थ चली गई और 25 रह गई है। होपफुली इसको हम जल्दी से मार लें एक मिनट से पहले ही। और सिर्फ 7 6% 5% हेल्थ पे आ गए यार, जल्दी चला जाएगा ये। और एक शॉट की देर है।
हमने गेट क्लियर कर लिया लेवल 17 का. अब एक और गेट क्लियर करते हैं लेवल 20 का. तो पहले हमने आर्टिफैक्ट तो पहना दिया उसको, राइट. अब हम जा रहे हैं लेवल 20 की गेट की तरफ. इसको क्लियर करने के बाद होपफुली हम इतने पावरफुल हो जाएंगे कि हम चैप्टर 6 के एंड में उस विलन को मार सके. चलो भाई, केशा ने क्या सही बात कही थी. चलो चलो चलो, टाइम इज मनी. आई गॉट मनी ऑन माय माइंड. चल भाई जल्दी, एक रह गया तो मारे जल्दी से. उसकी पावर बुला ले. अब इसको मारना है. यस, ओए काफी गिर है यार. खेल तो टीममेट अवेलेबल है हमारा, तो बुला सकते हैं अभी हम. ये अभी उसके अंदर जाने वाला था. चलो इनको 30% हेल्थ पे आ गया है. हम इसको जल्दी जल्दी मारेंगे. यस, और ये क्या, ये गया. यस, लास्ट रह गया. अब हमारे पास काफी टाइम हो गया इसको मारने के लिए. इसको बस जल्दी खत्म करना है. चल भाई निकल. काफी हेल्थ इसकी भी चली गई है, बट फिर भी इसके लेवल बहुत ज्यादा है हमने. यस, 79% हेल्थ पे है अभी भाई. चल मार इसको पावर, आग लगा दे. ये चीज गया, एक गया नहीं वो दूसरा था. अच्छा इसकी भी X9 पे आ गया और हेल्थ भी हाफ चली गई है. काफी जल्दी इसको हमने मार लिया दफा. यस, यही हमने करना है काम. टैक्टिक्स, चलो भाई दूसरा अवेलेबल उसको बुला ले ताकि जल्दी जल्दी आए उसको खत्म कर सकें. यस आ जा भाई, अब दो बार 30 सेकेंड में दूसरा आने वाला है ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी मार सकें. हेल्थ वाली को भी बुला ले. यस, दूसरा आ रहा है. 3, 2, 1, वो भी अवेलेबल है. आ जाओ भाई, अब इसको मार लेंगे. अब मुश्किल नहीं है यार ये. चल 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 चल, दूसरा आ रहा है, बुला ले इसको हेल्प के लिए. ये चीज 30% हेल्थ, 25, और हमारी अल्टीमेट की पावर आने वाली थोड़ी देर में. इसको 20%, दूसरा 3 सेकंड में आ रहा है. 2, 1, बुला लेते दूसरे वाले को, बुला ले अब. चल 5, 4, और ये खत्म. ये चीज ओके. सो वी क्लियर्ड अनदर गेट, और हमने 3 गेट्स क्लियर कर लिए. उसकी वजह से हमें बोनस एक्सपी 2480 की मिल रही है, तो हम वो भी जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं. देखो लेवल अप करने का इससे ज्यादा बेहतरीन तरीका और कोई नहीं है. So, level 18 पे हम पहुंच चुके हैं, almost half. अब I think हम chapter 6 पे जा सकते हैं. तो हम चेक करते हैं, सिर्फ जाकर पहले जाकर चेक करते हैं कि chapter 6 के लिए हमारी power is enough. Yes. और अगर नहीं है तो फिर हम वो गेट जो है दोबारा से गेट्स करेंगे. ये लेवल 20 है, हम लेवल 18 एंड अ हाफ है समथिंग, राइट. यस, सो लेट्स सी हमारी टोटल पावर 18,000 के करीब रिकमेंडेड के बराबर है. यस, अब हम इसको मार सकते हैं. वी कैन किल दिस गाय. सो अब हम इसको फाइनली मारेंगे. ओए यार, ये तो मरेगा अब. लेट्स गो, वी कैन डू दिस. चलो किशन भाई साहब, तू नहीं बचता. पहले इसको बुला लेते हैं. यस, डॉज का अटैक खत्म हो, फिर हम तीसरे को बुलाते हैं. ये ताजा भाई, 95% हेल्थ है इसकी. चल चल चल, टाइम नहीं है. टाइम हमने बहुत ज्यादा टाइम का ख्याल रखना है. टाइम का भी और उसके एबिलिटी डॉज का. डॉज बहुत जरूरी है.
और पावर आ गई है, उसको बुला सकता है तू। यस, आज दोनों पावर अवेलेबल हैं हमारे पास। मार साले को आग लगा के। एक पावर, यस दोनों चली गई हैं। थर्ड वाली आने वाली लड़की जो हमें हील करेगी, चलो हीलर को भी बुला सकते हैं आप। ये जो रिपीट मारता है ना साला। हाँ, ये इवेजन करना है हमने इसको। पावर हमारे हेल्पर्स रेडी होने वाले हैं 5 सेकंड्स में, दोनों अवेलेबल होंगे हमारे पास। हेल्थ इसकी काफ़ी चली गई है यार, इस दफ़ा ज़्यादा जल्दी से yes. चली गई है। अब ये वाले पार्ट ना, इस पे हमने बचना है इससे। यार इसको बच क्लियर नहीं कर सकते यार, ये मसला है। बचा 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 बचा, बच गए फाइनली। ये चीज पावर आ गई है, बुला ले उसे। चल 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 चल, इस दफा नहीं बचेगा ये चीज। ओए इसे बचना है, बच गए बच गए बच गए। अल्टीमेट कितनी देर में आ रही है, बस ऑलमोस्ट थोड़ा सा इसको डैमेज देना है और अल्टीमेट हमारी रेडी है। चलो चलो चलो, 5 सेकंड और 9 सेकंड में दूसरे हमारे टीममेट आ रहे हैं, तो पहले हम इसको मारेंगे। यस टीममेट आ गए हमारे, मारो। दोनों टीममेट से मारते हैं, उसके बाद हम इनको अल्ट मारेंगे। चल 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 चल, पावर नहीं, अल्ट मारूंगा मैं, अल्ट एंड पे मारूंगा जब इसकी फुल हेल्थ लो, ताकि मैं इसको फुल लो कर सकूं। 60 सेकंड्स है हमारे पास, उसकी 30% हेल्थ है। लास्ट टाइम वाला सीन हो रहा है। चल चल चल, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ओ भाई रुक जा, क्या कर रहा है, मार साले को। ये चीज अब आई थिंक 10% हेल्थ पे चला जाएगा ये, या 15 पे तो जाएगा ही यार। यस दोनों हेल्प आ गई है हमारी, और टाइम का मैं टाइम का ख्याल रखते हुए इसको हमने मारना है। किधर गया किधर गया, चल 12% हेल्थ है। चल दूसरी हेल्प आ जा प्लीज, जल्दी मार जल्दी मार। कर लेंगे कर लेंगे, इजी है, इजी हो गया है। 7% हो जा, दूसरी हेल्प 5 सेकेंड, 5 4 3 2 आ गई है। बुला ले हेल्प को, लगा इसको आ गया यार, नहीं बचना ये यार। हेल्थ कितनी कम जा रही है यार, देख उसकी हेल्थ देख, जा रही नहीं और टाइम हमारा किधर चला गया। दूसरी हेल्प आ गई है, बुला ले ये चीज। 3 2 1 ऑलमोस्ट डन, रुक ये चीज डन। ओफ यार 5 सेकंड, बहुत मुश्किल था, रहते थे। एंड वी हैव डन इट, फाइनली किल्ड द, कौन सा था ये, बी रैंक था जो शोकिया मारा था, क्या मैं बी रैंक और एस रैंक था। काफी ज्यादा एक्सपी मिली है यार। यस, और लेवल 19 पे भी हम चले गए। गोल्ड वगैरह में कॉइंस बड़े ज्यादा मिले हैं। एंड दिस लास्ट के ये लास्ट फ्री और रिवेंज स्टोरी पार्ट चैप्टर 6 का है। अच्छा लास्ट स्टोरी पे आ गए हम। सो हमने उसको फाइनली मार दिया और चैप्टर 6 का स्टोरी आखिरी जो पार्ट है आई गेस वो आ गया। और ये सीक्वेंट एक्सप्लोजन रेयर रजिस्टर इन कोडेक्स खुल गया, वर्टिकल आर्ट सीक्वेंट एक्सप्लोजन, ठीक है। गो टू स्किल पेज, गो टू स्किल पेज। ओ हमें नया स्किल मिल गया ब्रो, लेट्स गो। काफी फायदा हुआ यार इसको मारने का। और बेसिक में लेवल तो आप हुए ही हैं हमारे, yes. हमें माना परसेप्शन परसियन अच्छा ठीक है माना, क्योंकि कूल डाउन हमारी जल्दी हो ताकि। ओके तो चलते हैं स्टोरी की तरफ, स्टोरी की तरफ। लास्ट पॉइंट है चैप्टर 6 का, द डीपर द शैडो द स्ट्रॉन्गर द पावर। वो देखो, ओ हो हो, यूजिंग स्किल ब्लड लास्ट। व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट द, ओ हो हो, क्या हो रहा भाई, ब्लाइंडिंग डार्कनेस। कुड दिस बी हिज शैडो, दिस हिज शैडो। गला काट दिया अगले का। Yeah, I'm a hunter that improves with every battle. Yes. What stronger do you think I'll get? Oh. Shadow is tethered to the darkness itself. You'll become as strong as the darkness. As the darkness indeed. Oh.
There's no doubt I've become much more powerful than before. But for some reason, every time I get stronger, I feel like something is destroyed inside of me. Pehla enemy hai yaar jisne bahut time liya. Jinbu, thank you. If it weren't for you, we'd both be dead by now. You can leave first. I'll follow after closing the dungeon. Are you planning on fighting the boss on your own? Your skills, I won't stop you. Be careful. He'll be waiting for you outside, Jinwoo. Please be careful. Achha, chapter 6 abhi khatam nahi. Oh, last story. I can obtain a skill. Oh, it obtained the skill that Gaia was using. Oh, teleport wala. Nahi, nahi. Oh, blink wala ya kuch aisa tha na. Or I think chapter new complete. New feature unlocked as well. Night Lord job change. Oh, Night Lord ban gaye hum, bhai. Yes. Kapde change honge, iska matlab hai hamare. Yes. और ये चैप्टर 7 शुरू हो गया और इसके लिए हमें लेवल 7 20 होना चाहिए मतलब लेकिन हम लेवल 19 हैं समथिंग तो हम कर सकते हैं यस हो जाएगा ये कुछ चीज आई है असैसिन ऊपर है ना नाइट लॉर्ड बन गया अब हम इंटर होने जा रहे हैं उसमें यस ये चेक करो कपड़े चेंज हो गए असैसिन से नाइट लॉर्ड लेट्स गो ओहो The source of this power. वो shadow है ना इसका जो source है power की is it you? अब इसको हराना पड़ेगा हमें वही last time की तरह well this ought to be fun आजा भाई यार इसमें भी time है but ये तो मर जाएगा इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि अपने shadow है story ने देना ही देना हमें ये feature चलो 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 भाई मारो साले को ओहो ओए ओए रुक रहा नहीं है भाई ओए पावर देख कितनी मारी लेके जा रहे हैं यार ओ भाई जान जिंदा रहने दो स्लो भाई स्लो हो जा थोड़ा ये चीज आ जा आई थिंक तो डॉच करना है हमने यस डॉच करेंगे तो हमारी हेल्थ बचेगी 60% वो तो ये मुख्य मारना जो शुरू हो जाता है ना 60% हेल्थ रह गई है मर जाएगा मर जाएगा शैडो को हरा देंगे यस आई थिंक ये उन्होंने स्टोरी बनाई थी ना मरेंगे नहीं उसको मार देंगे एट द एंड यस इसीलिए हमारा लेवल रुक गया वहां का ये यस एचपी रिकवरी हो रही है हमारी यस 38% हेल्थ है और ये जल्दी से मर जाएगा इतना टाइम लगे हमारी पावर शॉट भी आने वाली है थोड़ी देर पावर शॉट अवेलेबल होगी वो उसको मार देंगे जल्दी से 30% हेल्थ पे वैसे ही आ गया यार ये बचता ही नहीं है और एलटी भी आ गई है ना हमारी वो इसको पड़ेगी और ये खत्म एलटी मार रहे हम थोड़ा सा रह जाएगा यस और ये अब इसमें चला जाएगा भाई उसने भी मार दिया एलटी क्या ओए कॉपी कर रहा है मैं ही इज डेड लेट्स गो लेट्स ट्रांसफॉर्म नाइट लॉर्ड बन गया हम ओ भाई एनिमेशन चेक कर ओ हो तो ब्लेड आ गया आगे लेट्स गो नए अटैक्स आ गए हमारे पास स्टैट्स आ गए 20 स्टैट पॉइंट्स अर्नड यस लेट्स गो ब्रो हंटर्स स्टैट्स अपग्रेड करते हैं 20 स्टैट्स अपग्रेड करते हैं किस पे मेरे ख्याल से क्रिटिकल तो देते हैं पहले इसको यस 5 अटैक पे देते हैं डिफेंस भी होना चाहिए आना चाहिए यार क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी और प्रेसिशन को यस ठीक है तो स्लॉट आई है स्लॉट में देखते हैं हमें क्या मिल रहा है क्या रख सकते हैं दिस इज अ न्यू स्लॉट ओ दूसरा वेपन भी इक्विप कर लो भाई यस हमारे पास एक तलवार रेजन ब्लेड यस एक तलवार और एक फैंग ड्रॉ में जाते हैं हमें काफी कुछ मिल चुका है ड्रॉ का क्या पता कोई अच्छा वेपन निकल आई है देखो 10 ड्रॉ अगर हम करेंगे तो SR और हायर गारंटीड राइट तो 7 ड्रॉज हमारे पास हैं 3 हम परचेज कर लेते हैं और 10 ड्रॉज करते हैं प्लीज यार कुछ SR से अच्छा दे दो SR से ऊपर का कुछ दे दो कोई करेक्टर ही दे दें हेल्प के लिए SR से ऊपर का
कोई आई थिंक करेक्टर ही शायद ना मिल जाए, लास्ट एमएम दिया था करेक्टर इसने। वेपन दे दें कोई अच्छा। यस वेपन चाहिए हमें एसआर लेवल से अच्छा। यार फिर पर्पल ही दे रहे हैं, एक तो इनसे मैं बहुत तंग हुई है। आर ओ ठीक है, ग्रेव कीपर नहीं यार, लेवल आर है ये भी, लेवल आर है जो नहीं अच्छा नहीं है। बॉक्स मिला क्यूब, ये एसआर, ये चीज अच्छी मिली है, गन भी मिली है। वो एसआर लेवल आई थिंक अच्छा है। एसआर क्या था वो, वो था ना एक्स टाइप थी, और ये भी न्यू है गन, और ये साइथ भी न्यू। ओ ये एक्स हमारे टीम के लिए है। ओ गन क्यूब और ये साइथ हमारे लिए सही है। गन रख ले एक साथ। हां रख सकते हैं। स्वैग लेवल 10000 लगता है यार ये, और हम ऑन कर सकते हैं नहीं कर सकते। अच्छा एक और भी ड्रॉ था ना ये वाला, ये अभी हमने किया नहीं ड्रॉ, ये दूसरे हैं वो गोल्डन था। ये देख 46 हमारे पास है, तो ड्रॉ 10 एडवांस एंड गारंटीड एसआर और हाईर। और ये हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे हम रेट लिख सकते हैं कौन सी चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये मिल जाए। सेलेक्ट नहीं कर सकते आई थिंक, रिकमेंडेड डेमोनिक ओके कर स्टार्ट करते हैं। इसकी जगह ये आ जाए, यस इसकी जगह ये आ जाए, और इसकी जगह ये आ जाए। मतलब ये हमने उसको दिया कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ निकलेगा। लेट्स ड्रॉ, 40 है हमारे पास, कोई तो अच्छा वेपन वगैरह कुछ तो निकलना चाहिए इस एपिसोड को एंड करने से पहले। आई वांट टू एंड इट ऑन अ गुड, वेरी गुड पॉइंट। लेट्स सी प्लीज प्लीज प्लीज। ओ यस 3 पर्पल हेड, अच्छी चीज निकल गई। ये हमारा फैंग है, ये हमारे पास फैंग था ऐसा। अब क्या कोई अच्छी चीज है भाई, करेक्टर निकल आई। ओ भाई ये तो सॉर्ड निकल आई, डीमन एसआरबी सॉर्ड, लेट्स गो। ये चीज ये तो अभी एक और पर्पल है, हम इक्विप करेंगे इसको। यस अभी करेंगे और इसको लेवल भी बढ़ा देंगे। यस ये भी तो है हमारे पास। अभी एक और आया था तो एस का कुछ था ना पर्पल, ये टीममेट SR लेवल यूजिनो आ गया टैंक। ये okay. नहीं बस यार काफी चीजें अच्छी मिली। राइट फिर से ड्रॉ करेंगे 10। यस क्योंकि हम कर सकते हैं, बिकॉज़ वी कैन। हमारे पास 36 हैं ये, तो हम दो दफा तीन दफा और ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स गो भाई, नया वेपन आ गया और वो भी SSR। हां SSR रेड, अब तो डैमेज आसमानों पे होगा हमारा, और उसको जब स्पेशली लेवल 20 कर देंगे क्या होने वाला है इसमें। एक पर्पल, चलो स्किप करते हैं यार इसको, कुछ अच्छा नहीं था इसमें। एक पर्पल जो है वो तो पता चले, वो स्किप करेंगे आ जाएगा सामने। स्किप करें, यस श्योर, कुछ अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से हमें देखना चाहिए। ओ ये एंशिएंट ग्रिम वॉय है, ये उसके काम आएगी टीम के। यस क्योंकि टीम वेपन है उसका, मैजिक डैमेज और वो बढ़ा देगी। जो हमारा फायर वाला नहीं था, हम आपको यही एडवाइस करेंगे, देखो हमारा इतनी जल्दी SSR लेवल वेपन निकल गया और वो भी इतना क्रेजी। राइट उसका तरीका ये है कि जब ड्रॉ पे जा रहे हो ना, तो जो आपको ड्रॉज मिले हुए हैं ना, उनको एक एक करके वेस्ट नहीं करो, ठीक है 10 इकट्ठे करो, क्योंकि उस पर फिर आपको ये पता है कि वो गारंटीड SR और हायर कुछ तो निकलेगा। राइट इसी तरह जब आप सिलेक्शन पे इस वाले पे जाओगे, इसके अलहदा आपके पास मिल रहे होंगे, ये हमारे पास अभी भी 4 पड़े हैं। राइट कि जैसे जैसे जमा होके 10 होंगे, हम फिर ड्रॉ 10 ही करो, ताकि गारंटीड SR और हायर आपको लाजमी मिले। जब 1-1 करते हो तो उस पर चांसेस इतने नहीं होते, गारंटीड कुछ नहीं होता। राइट तो उससे बेहतर है कि जो गारंटीड है उसी पे जाकर ये ड्रॉज को यूज करो। राइट सो वी आर गोइंग टू, दिल तो नहीं चाह रहा एंड करने का क्योंकि नया वेपन मिल गया जरा, और नया पावर लेवल इंक्रीज हो चुके हैं, तो दिल चाह रहा है कि एक्सप्लोर करें जाके जरा खेलें, लेकिन वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे विद न्यू चैप्टर। एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस एपिसोड एंड यू आर लाइकिंग द कॉन्टेंट वी आर क्रिएटिंग फॉर यू। प्लीज डू सब्सक्राइब, डू हिट द बेल आइकन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कॉमेंट डाउन बिलो, एंड वील मीट यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।